अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम STA 406 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का लेक्चर नंबर 14 को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, किस तरह के आपको लेक्चर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट लाजमी किया करें। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जो है वो कमेंट करते हैं। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड एक और भाई, यहाँ पे जो है इन्होंने लेक्चर नंबर 9 लिखा हुआ है, इनकी सीरीज उन्होंने गलत है, इनके सीरियल नंबर, तो इससे भी आप कंफ्यूज ना हो करें। जो कि थंबनेल पर शो हो रहा है कि लेक्चर नंबर 14 है, तो वही आपका LMS के अकॉर्डिंग ही लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो है इंट्रोडक्शन काइस्केयर का स्टडी करना है। काइस्केयर का डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था, अब इसको फर्दर करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्केयर जो कि वेरियंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इनका हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर सिग्मा स्केयर। तो चलते हैं ज़रा हम लेक्चर की तरफ। इसका फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन है काइस्केयर का। सबसे पहले आपने देखना है कि काइस्केयर एनालिसिस जो है वो कौन से डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो डाटा कैटेगोरिकल डाटा होते हैं, MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काइस्केयर एनालिसिस कैटेगोरिकल डाटा के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो काइस्केयर की एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। इसकी वास्ट एप्लीकेशन है, फर्स्ट है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। इनमें जो है वो काइस्केयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा काइस्केयर डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट एक पैरामीटर रखता है जो कि एन है, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। और स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें और लाइक भी लास्ट में कर दिया करें, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा कि हमारे पास Z1, S1, Zk तक है जो कि एक इंडिपेंडेंट है, और स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स हैं। अगर इनका हम सम करें, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो क्यों हैं, ये एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और जी स्केयर एक इंडिपेंडेंट है। इनका सम उसने कहा कि चाय स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन विद के डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे के जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज यूजली डिनोटेड एट, आपको बता दिया है क्यों एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, और एक्स स्केयर इंटू के जो आपके पास यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्यों है वो अप्रोचेस कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के को जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसमें जो है आपने ये फार्मूला याद कर लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज है काइस्केयर डिस्ट्रीब्यूशंस की। उसने कहा कि द कर्व ऑफ द काइस्केयर डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर जो है हम कर्व ड्रा करते हैं और उसकी स्क्यूनेस लेफ्ट साइड पर ज़्यादा हो तो हम कहेंगे कि नेगेटिव स्क्यूनेस है। अगर उसकी स्क्यूनेस राइट साइड पर ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिवली है। द स्क्यूनेस डिक्रीजेज और एन इंक्रीजेज। नेक्स्ट है द काइस्केयर डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज अ नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है बढ़ाते जाएँ तो वो हमारे पास काइस्केयर नॉर्मल को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। इन दोनों स्टेप्स को मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ये कर्व ड्रा है, कर्व जो है वो इसी तरह होती है, आप लास्ट लेक्चर में स्टडी करते आए हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी जो स्क्यूनेस है, इसकी जो टेल है वो राइट साइड पे ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ठीक है। अगर इसी तरह जो है, अगर यही कर्व हमारे पास कुछ इस तरह होती, ठीक है, मैं जस्ट एज एग्जांपल दे रही हूँ। अब इसकी टेल जो है वो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे है ज़्यादा, तो हमने कहना था कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है। ये इसकी टेल है लेफ्ट साइड पे है, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड होगी, और ये इसकी टेल आपको नज़र आ रही है राइट साइड पे है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये था। नेक्स्ट उसने जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो बात की है, वो स्टूडेंट्स अभी हम इसको देखते हैं। इसको हम एक ग्राफ के जरिए देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं काइस्केयर डिस्ट्रीब्यूशंस का, यहाँ पे सॉरी काइस्केयर डिस्ट्रीब्यूशंस का ग्राफ रिप्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 4 है। देखिए अगर हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है, 4 कम है, तो ये इसका जो है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका हेड है और इसकी जो टेल है ये इस तरह जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट, और इसी तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है यानी बढ़ा दी है, तो इसका यहाँ पे आ रहा है और थोड़ा ये राइट इसकी टेल जा रही है, राइट स्क्यूनेस है तो पॉजिटिव होगा। इसी तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हम 20 कर देंगे तो इसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी। ये आप येलो देख सकते हैं, इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो गई है, सिमेट्री तरफ जा रही है। हमने सेकेंड पॉइंट में यही डिस्कस किया है अभी कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम को बढ़ाते जाएँ तो ये नॉर्मल को अप्रोच करेगा, यानी सिमेट्री उसमें
जो है वो आ जाएगी। अब देखिए, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 था, पहले 4 था, तो उसकी शेप कर्व की आप देख सकते हैं बिल्कुल ही चेंज है। जैसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 तक पहुंचा है, उसको ज़्यादा बढ़ाते गए हैं, तो आप देख सकते हैं इसकी जो है वो रेड जो आपको नज़र आ रही है लाइन, ये सिमेट्री की तरफ अब जा रहा है। इस तरह जब हम 50 कर देंगे तो ये सिमेट्री अख्तियार कर लेगा। ज़रा मैं आपको इसकी शेप भी यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन्स है वो भी क्लियर कर दें। स्टूडेंट्स, सपोज जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इस कर्व का 50 है, तो जो इसकी जो है वो सिमेट्री को अप्रोच करेगा, यानी इसकी कर्व जो है वो कुछ इस तरह बनेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं अब ये ना ही लेफ्ट साइड को ज़्यादा स्क्यूनेस है इसकी, ना ही राइट साइड पर इसकी टेल की है, तो हम कहेंगे कि ये नॉर्मल है, यानी सिमेट्री है। आई होप इसकी समझ आ गई होगी। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हमने सपोज किया था कि 50 लिया है, यानी बढ़ा दिया है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास उसने कहा कि कास्केड डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के ही इक्वल होता है। सपोज अगर कास्केड डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमारे पास 5 हो, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 5 होगा। या हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि अगर कास्केड डिस्ट्रीब्यूशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो उसका मीन भी 5 होगा। सेकेंड स्टेप में उसने कहा है कि कास्केड डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका वेरियंस डबल होता है, यानी अगर इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो इसका वेरियंस हमने निकालना होगा, तो वो 10 होगा। और एन जो है वो आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एडिटिव प्रॉपर्टी है, अगर एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हों, ठीक है, एन वन और एन टू के साथ, एन वन और एन टू डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जैसे कि आपको ये पता भी है, और इनका सम जो है वो एक्स प्लस वाई होगा, इसी तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम का सम भी एन वन प्लस एन टू होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसने कहा कि डिफरेंट कास्केड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, वन ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्टूडेंट, यहाँ पे अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कास्केड डिस्ट्रीब्यूशन का गिवन है, जिसको PDF से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो कि 1/2 k/2 × t × k/2, इनको मल्टीप्लाई किया गया है x/k/2 − 1 और e/−x/2। तो ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से याद कर लेना है। नेक्स्ट है कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, जिसको CDF से डिनोट किया गया है, 1/t × k/2 λ k/2 x/2। ठीक है, नेक्स्ट उसने जो है हमारे पास मोमेंटम जनरेटिंग फंक्शन दिया है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस को MGF से डिनोट करते हैं, m0 × t = 1 − 2t, इसकी पावर में है −k/2, अगर हमारे पास t < 1/2 के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है। लेक्चर नंबर 14 का सेकंड पार्ट में कॉन्फिडेंस इंटरवल हम सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा का फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेरियंस को, और सिग्मा जो है वो पॉपुलेशन को, सॉरी सिग्मा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है। जहाँ पे उसने कहा कि 1 − α × 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा। सिग्मा स्क्वायर यानी पॉपुलेशन का जो वेरियंस है उसका हम कॉन्फिडेंस इंटरवल देखेंगे, और पॉपुलेशन का जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल चेक करना है। तो सबसे पहले इसके हमारे पास 5-6 स्टेप्स हैं, जिनको फॉलो करते हुए हमने जो है इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी करनी है। तो उन 5 स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है, कोई भी आपने रैंडम सैंपल लेना है या डाटा लेना है पॉपुलेशन से, और कंप्यूट करना है एस स्केयर। यहाँ पे स्टूडेंट्स, एस स्केयर बेसिकली एक एस्टिमेटर है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 − α होना चाहिए, और स्टेप 3 में जो है कास्केड डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए हम कास्केड एन और कास्केड यू की क्रिटिकल वैल्यूज टेबल में से निकालेंगे। ठीक है, और ये कास्केड डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है n − 1 है। ये जब हम इसके रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि हम जो है किस तरह वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3rd स्टेप होगा। नेक्स्ट जो है स्टेप 4 है, उसमें क्या करना है कि कंट्रोल लिमिट्स निकालनी है। सिंपली क्या करना है, जो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा एस के, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास सैंपल से जो है हम कह सकते हैं ये सैंपल से अखज़ की गई है वैल्यूज़, n − 1 × s² / u · n − 1 s² / k² n, जो इसके आप देख सकते हैं नोमिनेटर में है ये बिल्कुल सेम है, जस्ट ये नोमिनेटर में का स्केयर का डिफरेंस है। और जब आप इसका 100% इंटरवल निकालने लगेंगे, ठीक है, ये हमने वेरियंस का निकाला है। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का निकालेंगे इसका कंट्रोल लिमिट, सी आर यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं कंट्रोल लिमिट को। ठीक है, जब हम ये स्टैंडर्ड डेविएशन का निकालने लगेंगे सिंपली इसका स्केयर रूट ले लेंगे। अगर हम वेरियंस का निकालेंगे तो आपको पता है इसका स्केयर रूट हम नहीं लेंगे,
तो ये इसमें डिफरेंस था। स्टेप फिफ्थ में इसकी हमने इंटरप्रिटेशन करनी है कि इनकी ये वैल्यूज़ इसमें लाई कर रही हैं या नहीं लाई कर रही। इंटरप्रिटेशन हम जो है फिफ्थ स्टेप में करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, इन अ स्टडी ऑन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑन सैम्पल ऑफ 12 मैन। ठीक है, सैम्पल है यानी एन आपके पास 12 आ गया है। प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे पास डाटा गिवन है 6.0 से 5.8 तक है, 6.4 7.0 ये आपके सामने डाटा गिवन है। ठीक हो गया, अब जो है सैम्पल यानी एन 12 हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% दिया है। ठीक हो गया, अब ज़रा हम जो है चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसमें स्टूडेंट्स जो आपके पास ये सारा जो डाटा गिवन है, आपने देखा है कि जितनी भी एग्जाम्पल्स में जब भी हमारे पास इस तरह डाटा आया, हमने जो है उसका मीन फाइंड आउट किया है। और मीन फाइंड आउट करने का फार्मूला जो होता है वो समीशन एक्स ओवर एन होता है। तो यहाँ पे आप इसकी कैलकुलेशन में देख सकते हैं एक्स बार जो है समीशन एक्स ओवर एन है, तो हमारे पास 74.3 आएगा इन सबको सम करने से, और डिवाइड जो है हम 12 पे करेंगे यानी नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो ये 12 है, इसका हमारे पास सम 6.2 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एस स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। आपने जैसा कि देखा था कि हमने जब वेरियंस का फार्मूला भी स्टडी किया था वहाँ पर एस स्क्वायर भी यूज़ हो रहा था और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी, इसलिए हमें एस स्क्वायर की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। एस स्क्वायर जो है वो समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ओवर एन माइनस वन के इक्वल होता है। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स ये वैल्यू जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है और एक्स का बार जो मीन है हमारे पास 6.2 आया है। सिंपली क्या करना है, आप टेबल बना कर करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, ऐसे करेंगे तो फिर भी सही है लेकिन मुश्किल नहीं है इतना। देखें एक्स फर्स्ट वैल्यू 6.0 है, आपने माइनस करना है मीन के साथ 6.2 और फिर इन दोनों का स्केयर ले लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपने जो है वो प्लस लगाना है, फिर 6.4 ये, उसके बाद माइनस करेंगे 6.2 के साथ होल का स्केयर प्लस, फिर आपने करना है एस ओन। इस तरह सारी वैल्यूज़ को आप करते जाएंगे, आपके पास जो है वो टोटल वैल्यू 4.31 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो अब जो है हम वैल्यू एस स्केयर इंटू एन माइनस वन 4.31 एन माइनस वन, क्योंकि हमारे पास जो है अभी हमने देखा था कि हमारे पास सैम्पल साइज जो है वो 12 है, माइनस वन करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो सारी वैल्यूज़ निकालनी इनकी इस तरह निकाल लेनी है। अब ज़रा मैं आपको वैसे ही फार्मूला दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने जो है वो वेरियंस फाइंड आउट करना है एग्जांपल में, तो जो है हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे एन माइनस वन इंटू एस स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो इसकी टोटल वैल्यू है उन्होंने वैसे ही सारा करके बता दिया है, 4.31 आती है। ठीक है, ये आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपको बता दिया है कैसे करनी है, तो 4.31 आ जाएगा। आपने सिंपली ये वैल्यू जो है वो इस फार्मूला में पुट कर देनी है, ये जो गिवन फार्मूला है। अब आप सोच रहे होंगे हमारे पास काई स्केयर यू और काई स्केयर एल तो नहीं है, तो हम ये किस तरह पुट करेंगे, इसका मैं स्टूडेंट्स आपको बता देती हूँ। देखिए काई स्केयर यू और काई स्केयर एल जो है वो हमारे पास इसके इक्वल होते हैं, ये आपके पास जो राइट किए गए हैं सामने आपके, ठीक है, काई स्केयर एल जो है वो इक्वल होता है काई स्केयर अल्फा बाय टू वी के। अब काई स्केयर अल्फा बाय टू स्टूडेंट्स जो है, क्योंकि हमारे पास अल्फा आपने देखा है कि 95% एग्जांपल में गिवन है, ये हम अल्फा जो है वो स्टार से निकालते आए हैं, इस वजह से मैंने आपको ज़्यादा डिटेल्स डिस्कस नहीं की। 95% होता है, अब जो है आई होप 95 ही था, एक बार क्लियर कर लें एग्जाम्पल में इसके जी, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल था। उसके बाद जो है हम क्या करते थे, हम जो है इसको 95 को इसका डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो 0.95 बन जाएगा। उसके बाद जो है हमने क्योंकि अल्फा बाय 2 निकालना है, तो इस वजह से जो है हम 2 के साथ इसको डिवाइड करते हैं। 0.95 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब खुद इसको डिवाइड करके देखिएगा, जब आप 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो आप जो भी वैल्यू आएगी आप उसको काई स्क्वायर अल्फा बाय 2 की जगह पर यूज़ करेंगे। और v यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है n माइनस वन, वी जो है वो n माइनस वन के इक्वल होता है। मेरे पास सैम्पल साइज 12 है, 12 में से माइनस वन करेंगे 11 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो काई स्क्वायर u होता है, ये है काई स्क्वायर l, u होता है वो n यानी अल्फा बाय 2 माइनस वन के इक्वल होता है। जब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे जो है अल्फा बाय 2 की वैल्यूज़ निकालने, एक्सपोज 0.95 को 2 पे डिवाइड किया, समथिंग कुछ भी यहाँ पे आ गया, उसके बाद आपने उसमें से माइनस करना है उस चीज़ को, ठीक है, माइनस वन करना है। तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आप जो है वो काई स्क्वायर एल की जगह पर पुट करेंगे। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी, आपको मैंने वैल्यूज़ निकालना बता दी है, बाकी आप सोल्व खुद कीजिएगा।
ठीक है, और मैं कोशिश करूँगी इसके जो है वो हैंड राइटिंग जो है वो नोट्स भी बना दूँ हैंड रिटन, तो जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो आप इसमें वैल्यूज पुट करिए, सिंपली जो है वो फार्मूला से निकाल लीजिए। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें हमने वेरिएंस लगाना है और या स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, वो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, वी विश टू एस्टिमेट द वेरिएंस ऑफ द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल। तो वेरिएंस उन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हमने फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है और इसका फार्मूला यही है, और सबकी वैल्यूज निकालना मैंने आपको बता दी है। आई होप इस एग्जाम्पल की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गिवन डेट एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फॉर द सैम्पल वैल्यूज, उन्होंने जो है वो आपको डाटा सारा खुद दे दिया है। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल में हमने जो है वो डाटा खुद ऑब्टेन भी किया था, एस की वैल्यू भी और एक्स बार की, यहाँ पे उन्होंने आपको डाटा दे दिया है। सिंपली आपने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है, वेरिएंस पुट करनी है, आंसर निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पे जो है उन्होंने आपने उनका है फाइंड द 98%, 98% है, तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे समझ जाएंगे कि 98 को जो है वो डिवाइड करेंगे 100 के साथ। ठीक है, तो 98 को जब 100 के साथ डिवाइड करेंगे 0.98 आ जाएगा, और 1 माइनस अल्फ़ा है, तो अब जो है वो अल्फ़ा आ जाएगा और 1 इधर से माइनस होगा, 0.98 आ जाएगा और 0.02 है। स्टूडेंट ये वाली चीज़ें जो है ना हम ये स्टार्स लेक्चर से करते आ रहे हैं, मिड टर्म में हमने जो है वो जी टेस्ट पढ़ा था, वहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती आ रही हैं। तो आई होप इसको जो आपको अच्छे से समझ होगी अगर आप मेरे लेक्चर्स एक सीक्वेंस के साथ ले रही हैं। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, हमेशा जब भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को निकालते हैं, जिस तरह यहाँ पे 98% गिवन है, तो हम 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 करते हैं। ठीक है, हमेशा हमारे पास जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 95%। ठीक हो गया, ये 95, और यहाँ पे स्टूडेंट मैंने थोड़ी मिस्टेक की है, यहाँ पे जो है 1 माइनस अल्फ़ा आएगा, पहले आप 0.95 को 1 के साथ माइनस करेंगे, फिर जो भी वैल्यूज आएंगे उनको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 95% माइनस 1, 95% है, तो ये डिवाइड करेंगे 100 के साथ 0.095 बन जाएगा, 0.095 में से अगर आप माइनस करें 1 को, तो आपके पास जो भी वैल्यूज आएंगी उसको आपने जो है वो डिवाइड कर देना है सिंपली 2 के साथ। ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो अल्फा बाय 2 चाहिए, ये आपके नोट्स में जो है यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 98 है, तो इस वजह से 1 को माइनस करेंगे 0.98 के साथ, जो कि 0.02 होगा, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। अब देखिए हमने जो है वो अभी स्टडी किया था कि हमारे पास जो है काई स्क्वायर यू, ऐसे ही है जो काई स्क्वायर यू होता है वो इक्वल होता है अल्फा बाय 2 माइनस 1 के, अल्फा बाय 2 तो हमने निकाल लिया है, अब हमें माइनस 1 करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे अल्फा बाय 2 के साथ, तो हमारे पास जो है वो 0.99 आ जाएगा। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर है, आपने जस्ट फार्मूला लेना है, उसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है, पुट करने के बाद इसका आंसर निकाल देना है। नेक्स्ट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंस। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाने से पहले एक और आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं, जो कि अभी हमने एग्जांपल्स की है, इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जस्ट आप लोगों के लिए, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए नोट्स के थ्रू मैं उसके बनाऊंगी, और वहाँ पर आपको जो है वो कम्प्लीटली एग्जाम्पल सोल्व मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, जस्ट लेक्चर नंबर 14 की ही वो एग्जाम्पल की सेपरेट वीडियो होगी, बाकी लेक्चर्स मैंने कम्प्लीटली एक ही वीडियो में किए हैं। ठीक है, तो आपने जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, इसी जो हमारे पास लेक्चर्स नंबर 14 है इसकी जो एग्जाम्पल्स जो हैं और इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं उस नोट्स में सारा क्लियर कर दूंगी। ठीक हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसमें जो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस के कुछ स्टेप्स हैं, वेरियंस ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, पहले हमने जो है वो मीन का पढ़ा था, अब हम पॉपुलेशन का पढ़ रहे हैं। पहले हम यहाँ पे जो है वो आपने देखा होगा म्यू यूज़ करते थे, अब सिग्मा स्केयर है। ठीक है, हमने नल और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस से आप बहुत अच्छे तरह वाकिफ होंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है, अगर टू टेल टेस्ट हुआ तो आपको पता है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस से एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अगर हमारे पास सिग्मा स्केयर इक्वल होगा सिग्मा स्केयर के, तो अल्टरनेटिव में ऑटोमेटिकली ये इक्वल नहीं होगा, ये टू टेल टेस्ट की कंडीशन है। इसी तरह ग्रेटर देन होगा तो अल्टरनेटिव लेस देन हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस लेस देन होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसकी तो आपको जो है अच्छी तरह समझ है।
नेक्स्ट हमारे पास जस्ट इसमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पे मीन यूज होता है, यहाँ पे हम पॉपुलेशन को यूज़ कर रहे हैं। डिसाइड द सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा है सेकेंड स्टेप में, उसके बाद जो है टेस्ट स्टैटिक्स है वो कुछ इस तरह यूज़ किया जाता है। इसमें मेन पॉइंट है अगर हमारे पास एस स्क्वायर ग्रेटर देन होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इसी तरह अगर हमारे पास एस स्क्वायर लेस देन होगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, फार्मूलाज को आप देख लें। और फिर हमने फोर्थ स्टेप में क्रिटिकल रीजन को फाइंड आउट करना होता है जो कि डिपेंड करती है अल्फा पर और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस पर। और इसी तरह हमारे पास अगर अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस इसमें इक्वल ना हो, स्टूडेंट बेसिकली ये टू टेल टेस्ट है, ए स्टेप जो है वो टू टेल टेस्ट है। इसमें क्रिटिकल रीजन अगर हमारे पास काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर, अगर टू टेल टेस्ट में आपने याद रखना है कि हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम अल्फा बाय टू इंटू एन माइनस वन होता है, ठीक है, ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। और इसी तरह जो है अगर ये ग्रेटर देन होगा, सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन हो सिग्मा नॉट स्क्वायर के, सिग्मा नॉट स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे जो है वो अल्टरनेटिंग और नल हाइपोथेसिस इनको जो है वो हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिटिकल रीजन फॉल्स इन द राइट टेल एंड इट्स वैल्यू इज, अगर क्रिटिकल रीजन हमारे पास फॉल्स करेगा राइट टेल की तरफ, क्योंकि अगर आपको पता है कि पॉजिटिव हुआ ये तो राइट की तरफ, अगर नेगेटिव होता है तो लेफ्ट टेल की तरफ ये फॉल करता है। तो आप देख सकते हैं ग्रेटर देन है तो ये हमारे पास वन टेल टेस्ट है, और ये जो है इस वजह से यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन यूज़ की जाएगी अल्फ़ा इंटू, अगर टू टेल टेस्ट होता तो अल्फ़ा बाई टू एन माइनस वन। यहाँ पर ये अब राइट टेल भी टेस्ट है और लेफ्ट टेल भी टेस्ट है क्योंकि टू टेल है। अब यहाँ पर जस्ट जो है हमारे पास राइट टेल टेस्ट है और यहाँ पर जो है वो लेफ्ट टेल टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसकी क्रिटिकल वैल्यू ये वन टेल टेस्ट है ये भी, और वन माइनस अल्फा इंटू एन एन माइनस वन आएगा। याद रखना है कि लेफ्ट टेल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम वन माइनस अल्फा इंटू एन माइनस वन होता है। जस्ट हमारे पास ए स्टेप है वो टू टेल्ड है, बाकी बी और सी दोनों लेफ्ट टेल्ड है। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी, मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। हमारे पास जो है टू टेल टेस्ट तब होता है जब वो लेफ्ट साइड पर भी फॉल कर रहा हो राइट साइड पर भी फॉल कर रहा हो, ठीक है। और राइट टेल टेस्ट तब होता है जब वो जस्ट राइट साइड पर फॉल कर रहा हो यानी पॉजिटिव होगा। लेफ्ट टेल टेस्ट जो है तब फॉल होता है जब वो नेगेटिव टेस्ट होगा। तो आई होप इसकी आपको समझ लग गई होगी अच्छी तरह। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर फाइव है, इसमें हमने वैल्यू को कंप्यूट करना है गिवन डाटा की, फिर आपने कंक्लूजन कर लेनी है इंटरप्रिटेशन, एज नॉट रिजेक्ट होता है तो कंप्यूटेड वैल्यू जो है वो फॉल कर रही है काई स्क्वायर में क्रिटिकल रीजन में, अदरवाइज जो है वो एक्सेप्ट जो है नल हाइपोथेसिस, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, ये मैंने आपको अभी बताया है क्लियर किए हैं कि इसके लिए एग्जांपल्स के लिए लेक्चर नंबर 14 की वीडियो स्टूडेंट्स एक सेपरेट में बनाऊंगी जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, ठीक है। उसका आप वेट कीजिए या आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको जो है वो बर वक्त नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट मुझे आपने लास्ट में बताना है कि वीडियो कैसी लगी है, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।